Dear students, while studying zoology, we deal with different organisms or animals. These animals are categorized in different taxonomic groups based on different characteristics. Chordates is one of the phylum, which includes fishes, amphibians, reptiles, birds, and mammals. But before going into the details of the phylum Hemichordata, we will discuss about the main characteristics which are वेरी इम्पॉर्टेंट इन कॉडेट्स दीज कैटरिस्टिक्स आर गिवन ऑन द डाग्राम यहाँ आप स्क्रीन पर डायाग्राम देख रहे हैं जिसमें कॉडेट्स की स्पेसिफिक कैटरिस्टिक्स को हाईलाइट किया गया है द फर्स्ट वन कैटरिस्टिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड नोटोकॉड इन ऑर्गेनिजम्स की डोरसल सर्फेस पर प्रेजेंट होती है सेकेंड इज दी नर्व कॉड नर्व कॉड नोटोकॉड के अबव एग्जिस्ट करती है थर्ड वन इज दी फ्रेंजियल स्लेट्स एंड पोस्ट एनल टेल नर्व कॉड लाइफ में और ये सारी कैरेटरिस्टिक्स कॉडेट्स में लाइफ में किसी भी टाइम पर एग्जिस्ट कर सकती हैं नर्व कॉर्ड लेटर ऑन कुछ ऑर्गेनिज़म्स में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है जबकि जो कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं फ्रेंजल स्लेट्स में लंग्स या फ्रेंजल ग्लैंड या गिल्स में डिवेल्प होती हैं और पोस्ट एनल टेल जो कि टाइम एम्ब्रियनिक स्टेज तक लाइक इन ह्यूमस ये एग्जिस्ट करती है तो ये नर्व कॉड नोटोकॉड फ्रेंजल स्लेट्स एंड पोस्ट एनलटेल दीज आर दी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स अर्लियर फायलम हेमिकॉर्डेटा बिलोंग्स टू दायलम कॉर्डेटा बट लेटर ऑन इट वॉज पुट इन टू अ सेपरेट ग्रुप बिकॉज फाइलम हेमिकॉर्डेटा से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो भी कैक्टरिस्ट एग्जिस्ट करती हैं जो कॉर्डेट्स में होती हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी एग्जिस्ट करती हैं जो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होती हैं दैट्स वाई हेमिकॉर्डेट्स के अंदर ये बेसिकली एक ट्रांजिशन फेज़ होती है जिसमें इवोल्यूशन होकर वो कॉडेट्स में डिवेल्प हुए हैं नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एकॉन वर्म्स आर ब्लैनोगलोसिस दीज ऑर्गेजम्स आर सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स एंड दे लिव इन दी वाटर आर मेरीन इन्वायरमेंट दीज ऑर्गेनिजम्स आर सॉफ्ट बॉडीड एज वेल एज दे लिव इन द बोरोज आर इन देंडी इन्वायरमेंट ऑफ द सीज आर ओशन दैट्स वाई जब ये ऑर्गेनिज्मस क्योंकि वॉर्म लाइक -like होते हैं तो सैंडी इन्वायरमेंट में जब ये जाते हैं या वहाँ पर बरोज बना के जब जाते हैं तो एक वी या यू शेप की शेप uh, डिवेलप होती है उस सेंड के अंदर जिसमें से उसका जहाँ से माउथ पार्ट एग्जिस्ट करता है वो ओपन एंड उसका होता है और वो सैंड के ऊपर से नज़र आ रहा होता है अगर हम इसकी डायग्राम uh, के ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू uh, लें तो हमें पता चलता है कि इसके थ्री बॉडी पार्ट्स हैं जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो फर्स्ट फ्रंट एंड है इसको हम प्रोबोस्कस बोलते हैं ये कॉलर है एंड दिस वन इज़ दी trunk area proboscis is also called as prosoma collar is also called as mesosoma and the posterior trunk is also known as metasoma स पार्ट के अंदर हार्ट एग्जिस्ट करता है और कॉलर की यहां पर इसका माउथ है जैसा कि इसकी शेप है जब ये बरोज में जाते हैं तो इस तरह से सैंड के ऊपर आपको इनकी होल से नजर आते हैं जो इसके गोनेड्स हैं वो इस थर्ड पार्ट में होते हैं इनको हैमी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स। हैमी मीन्स हाफ एंड कॉडेटा मींस स्ट्रेंज आर अ कॉर्ड इनके अंदर हाफ टाइम के लिए कॉडेट्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट करती हैं लाइक नर्व कॉर्ड आर नोटोकॉर्ड जैसे कि आप अब देख रहे हैं कि ये वर्म की एक डायग्राम है जिसके अंदर एक नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपका इसको आपको जो उसका हेड पार्ट है उसको प्रोबोस्कल कह रहे हैं और जो उसका बॉटम पार्ट है उससे नीचे वाला वो स्वॉलन पार्ट है उसको हम कॉलर कहते हैं और जो एंड वाला टेल पार्ट है ट्रंक रीजन है वो इसका लास्ट पार्ट है और उसके अंदर इसके गोनेड्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ फर्टिलाइजेशन आर टू कैरी देयर जनरेशंस